अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं शेयर कर रही हूँ डोसा और चटनी की रेसिपी। डोसे के लिए मैंने ये चावल लिया है। ये चावल जो आप रोज़ यूज़ करते हो कॉमनली, वो नहीं लेना है। उससे थोड़े मोट जाड़े चावल जो होते हैं ना, वो लेना है। वो कोई भी आपको मिल जाएंगे कोई भी शॉप पे इजीली। ये देखिए, इतना इतना मैंने लिया है। एक पहले गिलास भर के लिया है, फिर थोड़ा सा ऊपर लिया है। और इसके लिए 2 कटोरी उड़द की दाल लेना है। ये वाइट कलर की उड़द की दाल होती है। इसे अच्छी तरह से फिर हमें धो लेना है, अच्छी तरह से धोना है। देखिए, अभी मैं और धोऊंगी इसे। और इसे डोसे के लिए जो ये जो हम लेंगे ना, इसको सुबह से ही भिगो कर रखना है। मतलब आप सुबह में 9 बजे या 10 बजे भिगो देंगे तो शाम में 6, 7 या 8 बजे तक इसे पीस लेना है। ये देखिए, अभी मैं ये शाम में पीस रही हूँ 8 बजे के करीब। इसमें मैंने चावल लिया है और जो भिगा हुआ चावल था और दाल थी, और ये थोड़ा सा जो हम खाना पकाते हैं ना, जो चावल रहता है वाइट वाला, वो लेना है। और उसमें मैं अभी ऐड करूँगी पीसने के लिए नमक और खाने का सोडा। ये खाने का सोडा है और इसमें मैं ऐड करूँगी अभी नमक। ये आवाज़ जो आपको आ रही है बैकग्राउंड से, ये ज़रा रेनोवेशन हो रहा है मेरे बाजू वाले फ्लैट में, तो प्लीज़ इसे माइंड मत करना, उसी की आवाज़ आ रही है। और उसके बाद मैंने इसे अच्छी तरह पीस लिया है। और ये देखिए, इस तरह से आपको पीसना है, इतना थिक रखना है। इस आटे की जो है ना, इडली भी बन सकती है। अगर आपको थिक नहीं चाहिए तो थोड़ा सा आप इसमें पानी ऐड करके, लास्ट में तो मैं पानी डालूंगी पूरा चावल पीसने के बाद। ये देखिए, ऐसा इस तरह से करते हुए हमें पूरे आटे को इस तरह से पीसना है, चावल को और दाल को, माश उड़द की दाल को। उड़द की दाल को माश की दाल भी कहते हैं। उसके बाद हमें इसे रात भर के लिए छोड़ देना है। रात भर में जो है ये आटा उसमें जो है ना डबल हो जाएगा, यानी कि वो जो हमने जो बेकिंग सोडा डाला था ना, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा जो भी है, वो उसकी वजह से ये आटा फूल कर पूरा डबल हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से मैंने पूरा चावल और दाल को पीस लिया है डोसे का बैटर। अभी ये डोसे का बैटर रेडी है। अभी इसके लिए चटनी के लिए इंग्रेडिएंट्स जो है वो मैंने आपको बताई थी पहले भी, साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट में जो हम सेवी बनाए थे, सेम वही है चटनी है। अगर आपको देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी उसका। इस चटनी के लिए ये मैंने लिया है नारियल, हरी मिर्ची, लहसुन और वो दालिया। दालिया जो है, दालिया की जगह अगर आपके पास नहीं है तो आप सूखे चने भी ले सकते हो। ये देखिए, इस तरह से हमें चटनी को पीस लेना है। अगर आपको पतला करना है तो आप इसे थोड़ा पतला भी कर सकते हो। मैंने थोड़ा इसमें पानी ऐड किया है। ये चटनी जो है सेम यही चटनी मेदू वड़े के साथ भी हम खा सकते हैं, और जो सेवी की रेसिपी मैंने बताई थी, चावल की सेवियाँ, चावल के आटे की, उसके साथ में भी हम खा सकते हैं। और भी कई चटनी तरीके की बनती है, मैं आपको धीरे धीरे बताती रहूँगी। अब चटनी में मैं तड़का लगा रही हूँ। तड़के के लिए ये वही तवा है जो मैं फ़िश के लिए, फ्राई के लिए यूज़ करती हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैंने फ़िश फ्राई के लिए ये रखा है और डोसे के लिए रखा है। इस पे मैं रोटियाँ नहीं बनाती हूँ। मैंने इसमें मेथी डाला, सॉरी, मैंने इसके अंदर राई डाला है। राई जरा अच्छी तरह से चटक जाएंगी तो उसमें कड़ी पत्ता मैं ऐड कर दूंगी। ये देखिए, कड़ी पत्ते का कलर हल्का ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम चटनी में तड़का लगा देंगे। हमें चटनी को गरम नहीं करना है, सिर्फ तड़का लगाना है। ये देखिए, अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लीजिए कड़ी पत्ते को। साउथ इंडियन डिश में जो है कड़ी पत्ता डलता ही डलता है, उससे ही उसका टेस्ट अच्छा आता है। आप कोई भी सालन हो, कोई भी डिश हो, उसमें कड़ी पत्ता उसमें मस्ट है। ये देखिए, इस तरह से हमें ये जो है ना सिल्वर का तवा है, सिल्वर यानी जर्मन बोलते हैं यहाँ पे। ये देखिए, अभी मैं चटनी में इस तड़के को डाल दूंगी और हमारी चटनी रेडी टू सर्व हो जाएगी। ये बहुत ही टेस्टी लगता है डोसा। ब्रेकफास्ट में, लंच में आप कभी भी इसे खा सकते हो। बच्चे तो बहुत शौक से खाते हैं इसे। मेरे घर में तो ऑन एंड ऑफ ये 2-3 दिन में तो मैं बनाते ही रहती हूँ। हमेशा मेरे फ्रिज में इसका, डोसे का जो बैटर है, रेडी रहता है ये। कभी भी भूख लगी बच्चों को या हमको भूख लगती रहती है छोटी मोटी, तो हम डाल के खा सकते हैं। अब इसे ऐसी तरह से, जब ये आटा सुबह में खट्टा हो जाएगा, हम डोसा डाल देते हैं, तो अगर बच गया तो आप इसे एक डब्बे में या एक पतीली में डालकर फ्रिज में रख दीजिए, आपके यूज़ आ सकता है
एटलीस्ट 5-6 दिन तक तो हम इसे रख के खा सकते हैं। लेकिन हम इसमें जब डब्बे में जब डालेंगे ना, उसमें पानी नहीं डालना है बिल्कुल भी, वरना उसका जो वो बोलते हैं ना, वो खमीर जो रहता है वो टूट जाता है। इस तरह से मैंने डोसे के आटे को एक चम्मच में भर के लिया है और इसे तवे पर फैला दिया है, ये देखिए। अब मैं इसमें थोड़ा सा तेल ऐड करूँगी साइड से, उसके बाद इसे ढककर 1-2-3 मिनट के लिए फुल फ्लेम पर रख दूँगी। ये देखिए इस तरह से, इस तरीके से हमें ढक्कन से ढक देना है और फुल फ्लेम पर 2-3 मिनट के लिए छोड़ देना है। वो ऐसे ही कुक हो जाएगा, थोड़ा आपको ब्राउन दिखेगा तो आप उसे निकाल लीजिए। ये बहुत ही यम्मी और इतना टेस्टी बनता है ना, इसकी ये जो चटनी की रेसिपी है ना, और भी चटनी बनती है, सेंग की भी चटनी बनती है डोसे की, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। मैं आपको रेसिपी आगे बताऊंगी। ये देखिए आपका डोसा रेडी है, ये देखिए कितना इजीली निकल गया, क्योंकि तवे में हमने फ़िश फ्राई कर रहा हुआ था ऑलरेडी। अगर आप फ़िश फ्राई नहीं करते हो तो भी आप नॉन स्टिक में बना सकते हो, ऐसे तवे नहीं है आपके पास तो भी। ये देखिए एकदम क्रिस्पी और कितना अच्छा कलर आया इसका, ब्राउन, गोल्डन ब्राउन।